Hello everyone, welcome on GURUKUL.com. IBPS AFO 2019 का notification आ गया है, आप सबको पता है. और इस साल अगर बदलाव देखा जाए कि बदलाव क्या हुआ है, तो बदलाव कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम स्लॉट में बांट दिया गया है. प्रीलिम्स को तीन टाइम स्लॉट में रखा गया है, तीन सब्जेक्ट को 40-40 मिनट्स के. तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि इससे नुकसान होगा या बेनिफिट होगा या क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि अगर नुकसान होगा तो वो सबके लिए है, बेनिफिट है तो वो सबके लिए है. आपकी तैयारी कितनी है वो डिपेंड करेगी. और अगर ये देखा जाए कि प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो पिछले दो तीन साल का IBPS AFO का पैटर्न देखा जाए तो एप्टीट्यूड में DI 20 नंबर के DI हर साल आए हैं, 3 से 4 DI, और नंबर सीरीज 5 नंबर की, और अप्रॉक्सीमेशन 5 नंबर के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर की. तो 35 नंबर का इन चार सब्जेक्ट में से हर साल आता है. और रीजनिंग की बात की जाए, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट 4 हर साल आते हैं 20 नंबर के, और 5 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग. हालांकि इनपुट आउटपुट पिछले साल से पहले आती थी 5 नंबर की, लेकिन इस साल नहीं आई थी, तो ये भी आपको करना है. 5 नंबर की आएगी अगर आएगी तो, और 5 नंबर की इनइक्वालिटी, और 5 नंबर के साइलिजियम. तो 35 से 40 नंबर आप ये चार सब्जेक्ट में से कवर कर सकते हो. और इंग्लिश की बात की जाए तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 क्लोज टेस्ट, और 1 पैरा जंबल, और 5 से 10 नंबर के एरर डिटेक्शन, और 5 नंबर के फिलर, ये आते हैं. और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये एक इकोनॉमी बेस्ड जरूर आपको मिलने के चांसेस होते हैं. तो ये हो गया प्री का. तो इन सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है. तो चलिए बात कर लेते हैं मेंस की. एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आते ही एग्ज़ाम के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानना है, वीकनेस को इम्प्रूव करना है और स्ट्रेंथ को बनाए रखना है. वीकनेस जैसे कि कोई भी हो सकती है, आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो सकता है, कोई टॉपिक वीक हो सकता है, टाइम टेबल में वीकनेस हो सकती है, टाइम टेबल सही नहीं बना पा रहे हो, वो भी एक वीकनेस है. कहाँ से पढ़ना है ये शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बुक में से तो IBPS AFO का एग्ज़ाम नहीं आता है, आप सभी को पता ही होगा. एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है वो आपको नहीं मिल रहा है, वो भी आपकी एक वीकनेस हो सकती है. तो वीकनेस कोई भी हो सकती है, क्योंकि आपको हर एक वो सिंगल क्वेश्चन के लिए लड़ना है जिसका IBPS AFO के एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. एक सिंगल क्वेश्चन आपका सिलेक्शन में बहुत रोल प्ले करेगा. तो स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, और जो वीकनेस है उसमें इम्प्रूव करना है. तो अब हम बात करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. अगर आप आज कॉन्फिडेंस में नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप 10 से 15 दिन एक डिसिप्लिन में एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल को पढ़ रहे हो, तो तब आप अलग ही कॉन्फिडेंस में पहुंच जाओगे. कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, एक अच्छा मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड जब आपको डेटा मिलता है तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. और बात की जाए एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल की, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल बहुत ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा अचीव कर लोगे. और डायरेक्शन की बात की जाए, क्योंकि डायरेक्शन सबसे मेन रोल प्ले करेगी, क्योंकि अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं एक अच्छी डायरेक्शन से दूसरे कंपटीटर की तुलना में, तो बस हो गया आपका काम. और जो GURUKUL.com का स्टडी मटेरियल है, ये IBPS AFO 2018 और 17 को लेकर ही नहीं तैयार किया गया, बल्कि IBPS के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम नबार्ड 2017, 18
Agriculture Insurance Company, IBPS RRB SO 2017-18. तो ये जो 7-8 एग्ज़ाम हर साल IBPS के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, इनके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है इनको लेकर तैयार किया गया है, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम होता है वो इनके ऊपर ही बेस्ड होता है। जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो इनसे ही कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होता है। तो ये एक स्मार्ट स्टडी करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है gurukulagri.com। और अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने नेमरा सुंदा या आर के शर्मा बुक पढ़ी है, तो बचा हुआ मटेरियल जितना भी होगा A to Z मटेरियल, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं हमारे मॉड्यूल में, तो वो आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। आप मॉड्यूल से शुरुआत कर सकते हो। और IBPS RRB SO में जैसे हमारे 21 क्वेश्चन आए थे, तब हमने 60% सिलेबस अपलोड किया था उस टाइम, और अब हमने ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कवर कर दिया है। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप अगर अभी से शुरुआत करते हो तो कंपेरेटिवली कम टाइम में आप इसे कवर कर सकते हो। और अगर आपको MCQ लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, है ना, तो वो आपको जो मॉड्यूल में PDF होती है उनके लगाइए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुबह पढ़ा है, उसका शाम को टेस्ट दोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उसका, क्योंकि जो पढ़ रहे हो उसका टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मॉड्यूल पढ़ने में डिसिप्लिन जरूर बनाओ, मतलब डेली के अगर 2 से 3 मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप सुबह एक पढ़ रहे हो, दोपहर को एक पढ़ो, शाम को एक पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन 2 से 3 मॉड्यूल आपको डिसिप्लिन में पढ़ने हैं, तो ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारा कोर्स ज्वाइन करता है, स्टडी मटेरियल लेता है, वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन को एक क्वेश्चन से पता चल जाता है कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। और जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मैसेज है कि जितना कंटेंट आपने अभी तक पढ़ लिया उसको बोनस के रूप में लीजिए, और डेली के 2 से 3 मॉड्यूल पढ़ने का डिसिप्लिन जरूर बनाइएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक शुरुआत करना चाहते हैं उनको मैं आपको बता दूं, जो कंटेंट है वो कहाँ से लाना है, कितना लाना है, कैसा लाना है, ये सब की जिम्मेदारी gurukulagri.com की है। हम सब कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए और वो पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करना। और हमारे मॉड्यूल में ऐसी कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगे तो उसे बार बार पढ़ो आप, ठीक है, बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, आराम से ईजी वे में पढ़ो, याद हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने gurukulagri.com विजिट नहीं किया है तो नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6239569684। कोई भी क्वारी हो आप इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। वेबसाइट के नीचे मैसेज बॉक्स भी दिया रहता है, उस मैसेज बॉक्स में राइट बॉटम पे होता है, उसके ऊपर भी अगर आप कोई मैसेज करोगे तो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। और लास्ट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि दूसरा जो चांस है वो 1 साल बाद आएगा, तो आप इसे जाने मत दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, जान लगा दो आप, कुछ भी मौका मत छोड़ो, क्योंकि वापस जो है वो 1 साल बाद आएगा। थैंक यू।